अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन सुब्बा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमा के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुब्बा आमीन। और यही दुआ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए भी कि अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो आपसे काइंडली एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो वीडियो करते हैं शुरू। आजकल आप लोग आ नहीं रहे, देख नहीं रहे, वजह बताएं, वजह बतानी है मुझे आप लोगों ने। तो चलें जी करते हैं वीडियो का बकायदा आगाज। कुछ चीजें आपको दिखाऊंगी पर वो बाद में दिखाऊंगी, कुछ थोड़ी मोटी आप लोगों से छोटी मोटी बातें हो जाए, कुछ लोगों के बारे में आप लोगों को बताया जाए कि अब लोगों ने उनका जो टॉपिक था अली से अली 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 तो रहेगा ही, अली हुमैरा इरम ये तो रहेंगे रहेंगे, ये तो कहीं हटने वाले नहीं, लाइवों पे बैठ के लगे रहते हैं। कल मैं किसी की ये सुन रही थी, अच्छा क्या क्या स्टोरियां अपने से बनाते हैं, क्या क्या कहानियां गढ़ते हैं कि देखते नहीं है कि किसकी बेटी का नाम लिया जा रहा है, क्या हुआ जा रहा है, किसका रिश्ता किसके साथ जोड़ती हैं कि वो भी शादीशुदा है वो भी, लेकिन नहीं इन औरतों के दीन मान आप देखो कि इनकी अकलें पता नहीं घास चढ़ने गई हैं कि इनके पास अपना कुछ है नहीं करने को, इनके पास इतना फजूल वेला टाइम है कि ये सारा दिन बह बह के दूजियां दी चुगलियां ही कर सकदियां ने, फिर कह दिंदियां ने जी असीं इंज नहीं तो असीं इंज नहीं, इन्हां दे कोल होर कोई काम ही कोई नहीं। फजूल बह के बोलना, उथों उठ के ओहदे विच उधरों उठ के ओहदे विच, इन्ना इन्ना को वेला टाइम है, ये नहीं कि अपने घर वाल तवज्जो दे लवीए, कुछ खा पका लवीए, कुछ इधरियां उधर कर लवीए, पर नहीं उन्होंने कदी ये ते कदी उहदे ते चुगली तनकीद ते बस इन्होंने अपने आप नूं नहीं संवारना, दूजियां दे उत्ते गल कर 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 करके पागल हो जाना। अब आप ये देखो कि किस हर बंदे में अपनी अपनी एक होती है, अब उज़्मा और शाहिद के ऊपर ये किस तरह इन्होंने करना शुरू किया है, लेकिन उस बेचारे ने आज मैंने तो मना किया था लेकिन वो फिर भी बोलता है कि इनको जवाब देना बनता है क्योंकि नहीं तो ये हद से गुजर जाती है। आप ये देखें कि वो बंदे ने यहाँ तक बोला कि ये लोग हद से गुजर जाती हैं, फिर इनको चुप करवाना बनता है। फिर आप किसी से जब सुनते हो फिर इनकी बातें सुनो जी, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। अब उसने बड़े इज्जत एहतराम और एक महजबाना तरीके से इन लोगों को फोन किया, अगर अब भी ये समझी नहीं समझेगी तो फिर तो वो दूसरी लैंग्वेज इनके साथ यूज करेगा ना। अब आप लोगों को क्या पता किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या किसी का बन रहा है क्या किसी का नहीं बन रहा, किसी के घर में क्या हो रहा है, ये तो वो लोग ज्यादा बेटर समझते हैं ना। और जब जिस चीज का टाइम होना होता है वो उसी टाइम पे होती है, आप कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, ये मैंने बोल दिया तो आपने ये करना ही करना है, ये आप कह नहीं सकते किसी को। हमने तो आज तक किसी को नहीं बोला कि जी ये होगा तो ये करो, ये आपको करना ही होगा, किसी को नहीं आप लोग इस तरह बोल सकते। उस्मा जाने, उसके पेरेंट्स जाने, आप लोग क्या कौन होते हो उसको समझाने वाले कि जी ऐसे करो या ऐसे करो या वैसे करो। वो बेटर समझते हैं अपने फैमिली मैटर्स को कि किस तरह डील करना है। अब वो हक सच पे है तो वो क्यों बेचारी हटे, क्यों किसी से जाके माफी मांगे, लेकिन इन लोगों के तो बस काम ही तनकीद करना है, इन पे तो ध्यान उनको देना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो किसी को नहीं छोड़ती, इनको तो बस देखना होता है कि किस चीज को हम पकड़े और बस पकड़ के तो उसको खींचे और फिर चिंगम की तरह खींचती जाए, को ये इन लोगों के बने हुए। तो बेटर है इन लोगों से बस अपना आप दूर रखें, मैंने तो कल भी उनको बोला था, आज फिर इंशाल्लाह बोलूंगी फोन करके कि इनसे अपने आप को बचा के रखो, इनके चक्करों में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है, आज बोलती हैं कल बोलेंगी दो चार दिन और बोलेंगी फिर चुप कर जाएगी क्योंकि इनका काम ही यही है, क्योंकि इन्होंने दुनिया में और कुछ करना ही नहीं है, कभी इसके पल्ले कभी कभी चढ़ के ओहदे मुंडे आते, कभी ओहदे मुंडे आते, कभी ओहदे मुंडे आते, बस इन्हों का काम ही है तनकीद 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 बराए तनकीद, ये इनका काम है।
और कोई इनका काम ही नहीं है। वैसे जी इस मर्द के साथ बात करना, खुद जाके मर्दों के वहां पे एक औरत होगी, चार मर्द होंगे, वहां ठुपसे ठप्पे बैठिया होंगी बातें करने, वो इनके लिए सब कुछ जायज है, वो इनके लिए फिर नाजायज नहीं है, वो जायज है। दूसरे अगर बहन भाइयों की तरह अगर किसी भाभी ने अपने देवर के कपड़े धो दिए, वो इनके लिए नाजायज है, और गैर मर्दों में जाके वहां पांच सात मर्द बैठे होंगे उनके साथ बातें करना इनको बड़ा जायज लगता है। इनकी हकीकत आप ये देखो शायद, और उसमें आपको इनकी वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इनको बोलने दो, भोंकने दो, ये इनकी इनकी यही असलियत है, इनको करने दो जो ये करती हैं, इनका और कोई हाल नहीं है। तो इनके ऊपर एनी टाइम वेस्ट करने का फायदा कोई नहीं है, इनको जो सीधा रास्ता दिखाया ना ये उसी पे बेटर है, इनके लिए वही रास्ता ठीक है, इन जैसों के लिए यही बेहतर होता है। तो बेटर है इनको इसी तरह रहने दो, करने दो जो करती हैं, आप अपने रास्ते पे साथ चलो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह आपका भी साथ देगा तो दिनों की मैल खत्म होगी, इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर होगी। तो वो हर चीज का एक ना एक टाइम होता है, तो वो इंशाल्लाह होगी, वो आप वरी ना करो, होगी इंशाल्लाह। तो चले जी इनको छोड़ते हैं, साइड पे रखते हैं, दफा दुफा करते हैं, ठहर जाइए, मैसेज कौन बीच में कर रहा है। अच्छा जी करते हैं, तो बाकी अल्लाह खैर खरियत रखे, हर तरफ अल्लाह अपना करम रखे। तो खुशियों का दिन तो हमारे लिए आज है जी, मेरी है जी ऐना की बर्थडे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेके आई थी लेकिन अभी उसको पता नहीं है, तो मैंने कुछ बनवाया था उसके लिए, तो इमाम को उसकी बर्थडे पे पहले दिया था तो वो तब से लगी हुई थी, तो मुझे ये होता कि हो तो फिर तीनों के लिए, लेकिन अभी रबाब का नहीं मैंने बनवाया क्योंकि आज का गोल्ड की प्राइस भी आप लोगों को पता है ना, आसमान छू रही है। तो अब मुझे ये था कि टाइम पे आ जाए बन के, कि जब मैंने बनना दिया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि लग जाएंगे 8 से 10 वीक, तो मुझे ये था या अल्लाह अब इसकी बर्थडे तक आ जाए। कल जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मुझे कहते हैं मे बी फर्स्ट मार्च तक आपको ना दूंगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई मुझे तो चाहिए, जिस मकसद के लिए मैंने किया तो वो उस मकसद के लिए चाहिए, ये बॉक्स तो हमने खुद लिया तो उस मकसद के लिए हमें तो वो चाहिए। अच्छा ये बॉक्स जो है ना ये मैंने खुद लिया है कि इसमें रख के तो फिर दूंगी। अच्छा ये मैं आपको दिखाती हूँ जो उन्होंने दिया है, बड़ा प्यारा सा बन के आया। अच्छा जी ये है जी, अच्छा जी ये मैंने बनवाई है इसके लिए चेन, मैं आपको दिखवाती हूँ, दिखाती हूँ थोड़ी क्लोज करके ना, निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी गोल्ड की चेन है, खोल के आपको दिखाती हूँ। मैंने इसका ना वो बनवाई है, पर्सनलाइज करवाई, यानी कि नेम लिखवाया इसका। अब पता नहीं आपको किस तरफ से ये सीधी लगेगी, ऐसे तो इसी तरह सीधी है, ANAH ऐना लिखवाया। तो ये मैंने ना इसके लिए बनवाई है, ऐना के लिए, छोटी सी गोल्ड की, अल्लाह इसको पहनी वर्तनी नसीब करे। तो ये है, मुझे बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारी फैमिली को कैसी लगी ये, इसका नाम लिखवाया ऊपर। तो ये हो गई, इसको इसी में अभी डाल के रख देती हूँ, फिर इसी तरह बॉक्स में दूंगी, फिर वो खुद ही जो करना होगा ना। पेन तो उसने लेनी है, पेन तो उसने उसी वक्त ही लेनी है इंशाल्लाह। पता आजकल प्राइस भी हर चीज़ की ऐसे ऊपर गई हुई है ना। अच्छा मैंने ना किसी और के लिए भी बनवाए हैं, पर जो वो वाले बनवाए हैं ना वो 18 कैरेट के, वो बनते ही 18 कैरेट के थे, ये वाली 20-22 की है। वो वाले जो मैंने बनवाए हैं ना वो कहते हैं हम वो बनाते ही 18 में हैं, वो वाले 22 में बनते ही नहीं हैं। तो वो भी जब आएंगे वो किसी स्पेशल के लिए, वो 3 बनवाए हैं तो वो किसी स्पेशल के लिए है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी जिस दिन आएंगे, उनके भी ऊपर नाम ही लिखवाए हैं। तो वो भी जिस दिन आएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे ख्याल से अब जब मैं ये उठाने गई थी तो मैंने पूछा तो फिर उन्होंने बोला कि वो 26 तक दे देंगे, उसके बीच में मैंने कुछ और भी करवाना था, वो वाले थे जो, वो फिर आपको स्टोरी बताऊंगी। तो ये एक हो गया, तो फिर उस तरफ गई थी तो फिर मैंने बोला कि अब जा रही हूँ पाकिस्तान, तो मुझे ये चाहिए था जो मेरा अपना
मेरे पास पहले दो मेकअप बॉक्स है ना जो मैं इस वक्त यूज कर रही हूँ, वो बड़े बड़े हैं क्योंकि उनके उनके अंदर मैंने सारा कुछ रखा हुआ, वो दूसरे वाले भी हैं। तो ये मैंने सोचा था कि मैंने थोड़े दिनों के लिए तो जाना है, तो मुझे ना इस तरह का छोटा चाहिए था ये, तो जो बिल्कुल जिसमें मेरी सारी चीजें आ जाए, और तो वो मुझे ये बिल्कुल ये वाला साइज मुझे चाहिए था, तो ये लेके आई हूँ। तो ये है जी ये कंपनी, बहुत अच्छा। अगर ये आप लोग लें जॉन लुइस नहीं हाउस एंड फेजर से लें तो ये आपको मिलेगा 75 pounds, इन बिटवीन 65 and 75 का। तो ये मुझे टीके मैक्स से मिला है, तो मुझे पता कितने का मिला है, ये मुझे अंडर 15 का मिला है, तो बहुत अच्छा है। ये मैंने वहीं पे देखा था उस दिन, तो पर मुझे अच्छा लगा, तो फिर आज मैं यहाँ गई तो यहाँ पे एक दो ही पड़े थे तो मैं ले गई। तो ये एक लेके आई हूँ अपने लिए, तो ये भी मैंने टीके मैक्स से ही लिया है, मुझे किसी बहन ने बोला था प्राइस भी बताया करें, तो इसलिए मैं आज आपको प्राइस बता रही हूँ। ये मुझे रबाब ने बोला था ऐना के लिए, उसने गिफ्ट देना था। तो ये भी मैंने लैश एंड ब्रो कलर स्टिक है, ये टूल सेट है ये, तो ये भी मुझे रबाब ने बोला था ऐना के लिए लाने के लिए, ये 9 pounds का मिला है। और मैं आपको बताती हूँ वो क्या लिया है, और मैं बूथ से ना अपना मस्कारा लेके आई, ये भी मैंने दो ले लिए, ये बूथ से लिया है मैंने, तो ये मुझे चाहिए था अभी अभी तो है था, तो फिर जाने के लिए चाहिए थे, तो फिर दो पे ऑफर लगी थी, एक जो है 14 pounds का, और दो लो तो दूसरा सेकंड वाला हाफ प्राइस पे था, तो अगर ये 14 का है तो ये 7 का मिला, तो ये आज अच्छी चीजें मुझे मिल गई हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये चीज़ें आज मैं लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ जो है इनको शेयर करती हूँ। इसमें अब जो मैं अपना ले जाने के लिए मेकअप लेके आई हूँ ना, वो मेरे ख्याल से मैं इसी में अब डाल के रखना शुरू कर दूँगी, ये अंदर से ये निकाल दूँगी, तो इसमें अपनी चीज़ें जो हैं, ये होता है डिज़ाइनर का फेस का लिखा हुआ, ये देखिए तो ये फेंक दूँगी, तो इसके अंदर मैं ना अपनी चीज़ें डाल के रख दूँगी, जो जो मैंने लेके जाना होगा, इतनी ज़्यादा नहीं मैंने लेके जानी, थोड़ी सी जितनी भी चीज़ें लेके जानी है ना वो फिर सारी इसमें डाल के तो ये सूटकेस में रख दूँगी, तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको छोटे को पकड़ना भी। वैसे तो जब भी जाऊँ तो फिर मैं बड़ा ही लेके जाती हूँ अगर ज़्यादा अर्से के लिए जाऊँ, लेकिन अगर इतने कम अर्से के लिए जाऊँगी तो फिर ये मैं इसलिए ये छोटा सा मैं ढूंढ रही थी, उस दिन टाउन में भी ढूंढ रही थी लेकिन मिला ही नहीं, तो सब टाइम आपको अचानक जाते हो तो चीज़ मिल जाती है। तो चलें जी वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से लेती हूँ इजाज़त। तो बस आप लोग इन लोगों के मुंह तो अब हम पकड़ के बंद नहीं कर सकते, लेकिन अब इनके क्या कह सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं। तो प्यारी प्यारी फैमिली से इजाज़त मैं यहीं पे लूँगी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो अपने दिलों से मुझे माफ़ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो। तो इंशाल्लाह कल जिंदगी ने इजाज़त दी तो फिर आपके सामने आपकी रमापी हाजिर हो जाएगी, जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, आप आजकल देख नहीं रहे हो, जितने माशाल्लाह सब्सक्राइबर हो उतने तो व्यूज़ आने चाहिए, उतना टाइम तो देखा करो आप लोग। तो चलो जी लेती हूँ आपसे इजाज़त, पर फिर भी आप मेरी फैमिली हो, मैं आपके सामने आती रहूँगी, वो कोई मसला नहीं है। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो। लव यू माई ओल फैमिली, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कल देखते रहिए, अल्लाह हाफिज़ ऑल।